हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद ग्लो, इट्स मी डालवी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाजपत नगर मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन। सो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है बिकॉज मैं काफ़ी अच्छे अच्छे इयररिंग्स एंड जो भी एथनिक आउटफिट्स हैं वो शेयर करूँगी। सो काफ़ी अच्छा लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ था लाजपत नगर में, एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे देन लाइक दिस वीडियो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। इस मार्केट का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है लाजपत नगर। सो इस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से आपको एग्जिट करना है, एंड उसी के अपोजिट में जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। मार्केट के बाहर ही आपको इस तरीके की काफ़ी अच्छी अच्छी स्टॉल्स मिलेंगी। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ था एक्सप्लोर करने को। आपको इस टाइप के वुडन के आइटम्स मिलेंगे, लाइक ये बैम्बू जो होते हैं उसके आइटम थे। सो आपको यहाँ पे ये बास्केट मिल जाएंगी 200 रुपीज़ की। यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा 1000 रुपीज़ का, एंड ये इस टाइप का जो स्टफ़ है वो आपको लाइक 200 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, एंड जो हाईली प्राइजेज हैं वो आपको 1000, लाइक जो भी मतलब मटीरियल है उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्राइस है वो रहता है। उसके बाद जो बाहर जो स्टॉल्स हैं उन्हीं पर आपको इस टाइप के बैग्स का कलेक्शन मिल जाएगा। सो ये वाले जो बैग्स थे आई थिंक 250 रुपीज़ के थे, 250 और 350 रुपीज़ में आपको इस टाइप के बैग्स का कलेक्शन मिल जाएगा। सो बैग्स का कलेक्शन ओवरऑल मुझे सरोजनी की तरह ही लगा, लाइक इस टाइप के बैग्स आपको सरोजनी में भी मिल जाते हैं। सो ये वाले जो बैग्स हैं इनकी जो क्वालिटी थी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, एंड इनमें 2 साइज़ अवेलेबल थे, एंड एक था साइज 350 एंड दूसरे का जो था वो 500। एंड यहाँ पर आपको इस तरीके के कुर्ता एंड प्लाजो के सेट्स मिल जाएंगे 600 रुपीज़ में, एंड ये वाले जो कुर्ता और प्लाजो हैं आपको काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिलेंगे, एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस प्रिंट्स वगैरह इनमें मिल जाएंगे, एंड सभी का ऑलमोस्ट एक ही रेट था 600 रुपीज़। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग इनका जो मटेरियल था लाइक क्लॉथ की जो क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी थी। ऑल्सो इनमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कलर्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेस्टिव अप्रोप्रिएट थे। उसके बाद बाहर ही मुझे दिखाता है ये लाइक डेकोरेशन का सामान। सो ये वाइट कलर की जो मैक्रीन थी वो 180 रुपीज़ की थी, एंड इस तरीके के आपको लाइक होम के लिए डेकोर्स आइटम्स मिल जाएंगे, एंड ये सारे ही थोड़े से एक्सपेंसिव थे, एंड आपको इस तरीके की ज्वेलरी आइटम्स मिल जाएंगे। सो ये वाली जो ज्वेलरी थी आई थिंक 300 रुपीज़ इसका प्राइस था, एंड आपको 500 to 600 में इस तरीके के यूज़ जो नेकलेस हैं जो भी नेक पीसेज हैं वो मिल जाएंगे। सो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्राइस ही थे लाइक ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लाजपत नगर का यही है कि जो भी स्टफ़ होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है अदर मार्केट के कंपैरिजन में, पर जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी आगे मैं आपको जो कलेक्शन है वो शो करूँगी, काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन इस बार एक्सप्लोर किया है। सो आपको 350 रुपीज़ में इस टाइप की लॉन्ग चेन्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं साड़ीज़ वगैरह के ऊपर। सो आप देख सकते हैं ज्वेलरी की यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेराइटी मिल जाएगी। सो अब मैं आ गई थी मार्केट के अंदर, एंड यहाँ पे मुझे दिखे थे क्यूट से ऑर्गेनाइज़र, लाइक ये बहुत अच्छे लग रहे थे पूरा इनमें मतलब वर्क काफ़ी अच्छा था। सो ये इनका जो प्राइस है अगर आप छोटा लेते हो तो आपको 200-250 ऐसे मिल जाएगा, एंड आप बहुत बड़ा लेते हो तो आपको 500, मतलब जो साइज़ था एंड जो वर्क था उसके अकॉर्डिंग इनका प्राइस था। सो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे थे, मुझे तो लगा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगे इनको देखने से लग रहा था, बट ऑल्सो प्राइस इनका काफ़ी रीज़नेबल था। सो अगर आपको इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र चाहिए लगे मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, डेकोरेट करके आप रख सकते हैं अपना जो भी स्टफ़ है वो। सो मार्केट में आपको इस तरीके के 150 रुपीज़ के इयररिंग्स मिल जाएंगे, ये वाले बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, लाइक इनमें कलरफुल मिरर्स का वर्क था, एंड ये वाले सारे ही जो इयररिंग्स थे वो 150 रुपीज़ के थे। सो काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी थी, झुमकी चांद वालीज एंड काफ़ी अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, एंड अगर आपको ब्लैक सिल्वर में लेने हैं तो वो भी यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एंड फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, नवरात्रि दशहरा एंड ऑल, अभी दिवाली भी आने वाली है, तो इस टाइप के जो इयररिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इनका जो प्राइस था वो सही था 115 ये वाली जो इयररिंग्स हैं इनके अकॉर्डिंग। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल थी, एंड काफ़ी कलरफुल इयररिंग्स थे, लाइक आपको जंक ज्वेलरी में भी इस तरीके के कलरफुल इयररिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इस टाइप की इयररिंग्स भी मार्केट में देखने को मिलेंगे, एंड इनका भी जो प्राइस था आई थिंक 100 to 150 रुपीज़ था, लाइक कुछ इयररिंग्स 100 रुपीज़ के थे एंड जो ज़्यादा हैवी थे वो 150 रुपीज़ के थे। सो आप देख सकते हैं इनमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस थी।
उसके बाद 500 रुपीज़ में आपको इस टाइप के काफ्तान सेट मिल जाएंगे, जिनमें लाइक काफ्तानी कुर्ती थी एंड प्लाजो था एंड काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लाइक 500 रुपीज़ में पूरा सेट आपको मिल जाएगा एंड कलर प्रिंट्स भी आप देख सकते हो। सो ये वाली जो लोकेशन है वो भी मैंने बता दी है, सो आप इजीली यहाँ पर विजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आ गई थी एक सूट की दुकान पर एंड लिटरली यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सूट्स के ऑप्शन थे। सो आप देख सकते हो इनका जो फ्लेयर था वो भी बहुत अच्छा था, ऑल्सो मटेरियल इनका कॉटन था एंड कॉटन के ऊपर इस तरीके से काफ़ी अच्छा वर्क हो रखा था। सो ये वाली जो सूट थे इधर वाले, इनका जो प्राइस था वो 2000 रुपीज़ से 2500 रुपीज़ के अराउंड था एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे सूट मिल जाएंगे यहाँ पे एंड सभी का जो प्राइस था मोस्टली 2000, 3000, 3500 ऐसे था। सो ये वाला जो सूट था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, स्पेशली इसकी जो स्लिट थी उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसका फ्लेयर था। सो इसका जो प्राइस था वो 3500 रुपीज़ था। सो आप देख सकते हैं ये वाली जो शॉप थी कुछ बॉम्बे स्टाइल करके नाम से थी। सो ये वाली जो कलेक्शन है उसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, जो KFC वाली लाइन है उससे थोड़ा सा आगे आप चल के आओगे तो आपको एक मतलब बड़ा सा गेट मिलेगा मार्केट का। सो उसी के अंदर आपको एंट्री करना है एंड ये वाला स्टफ़ आपको ईजिली मिल जाएगा। सो मुझे दिखी थी प्यारी प्यारी सी लाइक जूतियाँ, जो कि अभी मतलब अगर आप एथनिक आउटवेयर वेयर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो इनका जो प्राइस था, ये वाली जो जूतियाँ इनका जो प्राइस था वो 1000 रुपीज़ था, बिकॉज इन पर काफ़ी अच्छा वर्क हो रखा था। तो लिटिल बिट एक्सपेंसिव थी बट क्वालिटी एंड जो डिज़ाइन था काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मुझे दिखी थी कुर्ता वाली शॉप। सो यहाँ पे सारे ही कुर्ते 400 रुपीज़ की रेंज में मिल रहे थे। सो काफ़ी अच्छे थे, इनमें अनारकली एंड काफ़ी टाइप के जो कुर्ताज थे वो अवेलेबल थे एंड कलर ऑप्शंस भी अच्छे थे इनमें, ऑल्सो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी। सो ये वाली जो कुर्ता सेट है कई कई जगह लाइक आपको 600-700 का मिल जाएगा, बट ये सिंगल सेल कर रहे थे लाइक ओनली कुर्ता। लोकेशन आप देख सकते हैं लुधियाना टेक्सटाइल नाम से थी ये शॉप। सो यहाँ पे 400 रुपीज़ के काफ़ी अच्छे अच्छे कुर्ताज के ऑप्शन थे। सो आपको कुछ इसी तरह के एथनिक आउटफिट की शॉपिंग करनी है तो एक बार आपको लाजपत नगर को ज़रूर विजिट करना होगा, बिकॉज लाजपत नगर फेमस ही इन्हीं मतलब सूट्स के लिए है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। सो इस वाली शॉप में भी जो सरारा सूट है उनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन था एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे एंड इस टाइप के जो काफ्तान सूट हैं लाइक आप देख सकते हो काफ्तान कुर्ते हैं एंड इसका जो प्राइस था वो 2000 रुपीज़ था। सो आई डोंट नो ये कितना इतना एक्सपेंसिव क्यों था, बट आप देख सकते हो आपको पूरा सेट मिल जाएगा। ऑल्सो अच्छा लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था, बट आई डोंट नो ये इतना महंगा क्यों था। एंड ये जो ब्लैक वन वाला सूट है उसका जो प्राइस था वो 3500 रुपीज़ था एंड सच में बहुत अच्छा इस पर वर्क हो रखा था आप देख सकते हैं एंड काफ़ी प्रिटी लग रहा था ये देखने में। ऑल्सो सारे ही सूट्स इसी रेंज में थे। उसके बाद मुझे दिखी थी 500 रुपीज़ की ड्रेसेस की स्टॉल। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस के ऑप्शन थे, लाइक ये जो टाइगर प्रिंट में जो ड्रेस है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी एंड फुल लेंथ ये ड्रेसेस थी। सो काफ़ी सही रहती है समर्स वगैरह के लिए। सो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पे, बहुत रिंग्स लगी हुई थी पूरी इस टाइप की ड्रेसेस की। सो ये वाली जो स्टॉल थी वो लिबास शोरूम के जस्ट सामने थी। सो अभी फेस्टिव सीजन चल ही रहा है, सो आप देख सकते हैं रेड कलर का कितना अच्छा कलेक्शन था इस वाले शोरूम पर। सो काफ़ी अच्छी तरीके से डमी पर लगाया गया था एंड सारी पीसेस बहुत अच्छे लग रहे थे एंड ऑल्सो आप यहाँ पे आपको वेस्टर्न आउटफिट्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद 250 रुपीज़ में आपको इस टाइप के प्लाजोज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये प्योर कॉटन के थे एंड कलर ऑप्शंस प्रिंट्स इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे थे। उसके अलावा आपको इस तरीके के पैंट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो इनका भी जो प्राइस था आई थिंक 200 से 250 इतना ही, या तो 200 था या 250 था ऐसे इनका जो प्राइस है वो था। सो ये वाली जो स्टॉल थी वो इंसेंस के सामने लगी हुई थी। उसके बाद आपको 250 रुपीज़ में इस टाइप के टॉप्स का कलेक्शंस मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्रॉप टॉप, लॉन्ग टॉप सारे ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, इस टाइप के आपको टॉप मिल जाएंगे, लेकिन में बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे। पूरी रिंग में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। सो फेस्टिव सीजन की वजह से आपको इतने प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये वाले जो आइटम है वो आपको रोड पर ही दिख जाएंगे, जगह जगह पर स्टॉल लगाते रहते हैं ये। यहाँ पर आपको घर को डेकोरेट करने के लिए, अपने मंदिर को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा। 350 रुपीज़ में आपको इस टाइप के लोअर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो इनमें दो वैरायटी थी, लाइक ये वाले आपको 250 रुपीज़ के मिलेंगे, आई थिंक 250 और 200 रुपीज़ के। सो इनमें शॉर्ट्स एंड लोअर्स काफ़ी तरीके की वैरायटी थी एंड इनका जो मटेरियल था वो भी काफ़ी अच्छा था। सो कलर ऑप्शंस भी इनमें काफ़ी अच्छे थे, लाइक पोल्का डॉट्स एंड और भी प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद मुझे दिखी थी ब्यूटीफुल सी ड्रेस। सो ये भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी में यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक आपको कलर ऑप्शंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे इनमें, एंड ऑल्सो प्रिंट्स वगैरह भी काफ़ी सही थे। और इनका जो प्राइस था वो 400 रुपीज़ था। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनना पसंद है तो आप इस तरीके की ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। ऑल्सो ये नी से थोड़ा सा नीचे आती हैं, एंड इनका जो कलर ऑप्शंस है एंड पूरा मतलब जो लुक है ड्रेस का वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा आपको इस टाइप की जो ड्रेसेस है वो भी आपको 400 रुपीज़ में मिल जाएंगी। सो ये फुल स्लीव्स ड्रेसेस है, एंड इसका जो वेस्ट लाइन है इसकी वजह से जो फिटिंग आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी, एंड इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑल्सो प्रिंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इस टाइप के सेट्स दिखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। सो मार्केट में भी आपको काफ़ी जगह इस टाइप के जो सूट सेट्स हैं वो दिखेंगे। सो वो ये इनका भी जो प्राइस है 600 रुपीज़ था। सो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कलर ऑप्शंस थे, लाइक जो ट्रेंडी अभी चल रहे हैं वो वाले ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हैं इस नाम से थी ये शॉप, एंड ये जो मार्केट है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड ये वाला जो सूट था आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट इसका जो प्राइस था वो 12,000 रुपीज़ था। लाइक मुझे लगा था लाइक 4-5,000 तो होगा ही, क्योंकि डमी पे लगा हुआ था। ऑल्सो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, एंड कपड़ा भी काफ़ी डिफरेंट था। उसके बाद आपको इस टाइप की लॉन्ग ड्रेसेस मिल जाएंगी, लाइक ये थोड़ा सा मतलब एंकल लेंथ रहती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं शूज़ वगैरह के साथ पहनने में। सो यहाँ पे आपको शॉर्ट कुर्ताज भी मिल जाएंगे, एंड इनका जो प्राइस था आई थिंक 350 रुपीज़ था। इनमें भी आपको काफ़ी सारे प्रिंट्स एंड कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड ये जीन्स के साथ कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप की बैंगल्स मिल जाएंगी। सो अगर आप किसी भी सूट साड़ी के मैचिंग की बैंगल लेना चाहते हैं यहाँ पे मिल जाएंगी, एंड इनका जो प्राइस था 150 रुपीज़ था। उसके अलावा आपको इस टाइप की सिल्वर गोल्ड इस टाइप की जो बैंगल्स हैं वो भी मिल जाएंगी, लाइक कड़े वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। ईयरिंग्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लाइक इस टाइप की मीनाकारी पर्ल वाले जो ईयरिंग्स थे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सो ये छोटे वाले थे, इनका जो प्राइस था आई थिंक 100 और 150, एंड जो बड़े वाले थे इनका जो प्राइस रेंज था वो 350 रुपीज़ से स्टार्ट था। उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का स्टफ भी मिल जाएगा। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लाइक मैंने बहुत अच्छे से शूट किया था इसको, एक एक चीज़ एक्सप्लोर की थी। सो यहाँ पे आपको 50-50 रुपीज़ में क्लचर्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी, लाइक आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिज़ाइंस बहुत अमेजिंग मिलेंगी। सो आपको किसी भी साइज़ का लेना है, लाइक आपको अगर हाफ़ बालों के लिए लेना है, हाफ मतलब पोनी बनाना है तो वो भी मिल जाएगा। सो काफ़ी साइज़ भी अवेलेबल थे क्लचर्स में। ऑल्सो आपको बच्चों के इतने प्यारे प्यारे से हेड बैंड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी जस्ट 50 रुपीज़ में। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, एंड क्लचर्स की तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलेक्शन था, एंड इस टाइप का जो हेड बैंड है उसका भी जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ था। सो काफ़ी क्यूट क्यूट से हेयर बैंड यहाँ पर बच्चों के लिए आप ईजिली लेके जा सकते हैं। एंड ये वाली जो हेयर पिन था इसका जो प्राइस था आई थिंक 250 रुपीज़ था, विच इज़ एक्सपेंसिव, बिकॉज ये सदर में आपको इजीली 100 और 150 में मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको इस टाइप के लाइक टिक टैक पेन एंड क्लचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी। सो आप देख सकते हैं बहुत सही लग रहा था मुझे तो ये हेयर एसेसरीज का स्टफ़। उसके बाद मुझे दिखे थे बहुत ही अमेजिंग से ईयरिंग्स, तो ये पूरे मार्केट में मुझे कहीं नहीं दिखे थे, सिर्फ इसी वाली स्टॉल पे दिखे थे। सो इनका जो प्राइस था वो 250 रुपीज़ था। सो यहाँ पे इंडियन वेस्टर्न लाइक दोनों ही टाइप के जो ईयरिंग्स थे वो अवेलेबल थे, एंड ये मतलब सभी का जो प्राइस था वो 200 से 250 रुपीज़ के बीच में था। सो आप देख सकते हो ओवरऑल ये वाले जो ईयरिंग्स थे काफ़ी ज़्यादा यूनिक से लग रहे थे, लाइक ये जो पिंक वन जो ईयरिंग्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहे थे। सो कैसे लगे आपको ये ईयरिंग्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड सबसे अच्छा आपको कलेक्शन कौन सा लगा वो भी कमेंट करिएगा। उसके बाद 50-50 रुपीज़ में आपको इस टाइप की क्यूट फर वाली ईयरिंग्स एंड इस टाइप के जो ईयरिंग्स हैं वो मिल जाएंगे। सो ये वाली जो रो है इसमें सारे जितने भी ईयरिंग्स थे वो सारे ही 50 रुपीज़ के थे, एंड मैं जो फ़ोन नंबर है भाई का वो मेंशन कर दूंगी। अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इस टाइप की ईयरिंग्स, तो आप ये वाला शोरूम देख सकते हैं जस्ट लेडी के जस्ट साइड में थी वाली शॉप। सो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी आने वाला है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने सारा मतलब कुछ ही इस एक ही वीडियो में नहीं कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, देन लाइक दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।